हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ अवर डेली शो, फाइव वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी शो। आज ईडी 38, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपका एस्फेल्ट। ठीक है, एस्फेल्ट का मतलब होता है डामर। ठीक है, यह एक नाउन वर्ड है। अब डामर क्या होता है, पहले मैं इसकी आपको इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपने देख लिया हुआ है क्या है डामर, ये देख सकते हो। मतलब जो रोड बनाने के लिए आपका मिक्सर होता है ना, उसे ही डामर बोलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये होता है आपका एस्फॉल्ट, एस्फेल्ट। ठीक है, और इमेजेस देख सकते हो आप, ये देखिए कितनी अच्छी रोड दिख रही है, इंडिया में तो होती नहीं है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका सेंटेंस यूसेज देख लेते पहले। स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्फेल्ट सेंट टू द उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपका जो डामर है वो उत्तर प्रदेश भेजा गया है। ठीक है, इसको सिनोनिम्स नहीं है। सेकेंड वर्ड देखते हैं, सेकेंड वर्ड है आपका एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है आपका किसी स्थिति, विचार, समस्या आदि का पहलू, पक्ष, दृष्टिकोण। ठीक है, मतलब कोई भी स्थिति है उसका कोई पहलू, कोई भी विचार है उसका कोई पहलू, कोई भी समस्या है उसका कोई पहलू, कोई भी स्थिति है उसका कोई पक्ष, उसका कोई दृष्टिकोण। जैसे इसका सेंटेंस यूसेज देखो, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ है ना उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब उसके सारे काफ़ी सारे पहलू हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा दृष्टिकोण है लाइफ का, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब सिनोनिम देखते हैं, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है सेंस। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है विशेषता। ठीक है, मतलब जो लाइफ है उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका काफ़ी बड़ा दृष्टिकोण है लाइफ का, उसके काफ़ी सारे पहलू हैं, उसकी काफ़ी सारी विशेषता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसका दूसरा सिनोनिम है सेंस। ठीक है, दोनों के सेम और मिलते जुलते मीनिंग होते हैं, सेम भी हो सकते हैं और मिलते जुलते भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सेम और मिलते जुलते बोलता हूँ। यह एक नाउन वर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है इस वर्ड में तो गूगल कीजिए या गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिए। ठीक है, थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है आपका असैसिन। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा, यह एक नाउन वर्ड है। अब हत्यारे तो मर्डरर को भी बोल सकते हैं और किलर को भी, लेकिन ये जो हत्यारा है ये कुछ स्पेशल होता है। अब मैं बताता हूँ कैसा होता है। ये जो असैसिन होता है ये होता है किसी महत्वपूर्ण या लोकप्रिय व्यक्ति का हत्यारा। ठीक है, जो कि धन या राजनीतिक कारणों के लिए हत्या करता हो, समझ गया। मतलब धन के लालच या किन्हीं राजनीतिक कारणों से किसी लोकप्रिय या महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करने वाला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, अ परफेक्ट असैसिन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स मैंने बताई दिए, मर्डरर और किलर, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं हत्यारा पर। ठीक है, पर असैसिन में कुछ स्पेशलिटी है जो मैंने आपको बता दी है। फोर्थ वर्ड देखते हैं आप आज का। फोर्थ वर्ड है आपका एस्प। ठीक है, एस्प क्या होता है, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक विषैला सांप। ठीक है, अब इसकी इमेज देखते हैं, एस्प, एस्प स्नेक लिख देते हैं आगे, क्योंकि नहीं तो एक एस्प डॉट नेट ये स्नेप लिख दिया, सही से लिख दिया। ये देख सकते हो आप इसकी इमेज। ठीक है, ये होता है आपका एस्प, ये देख लो, ये देखो रंग कैसा है, इसका रंग पहचान लो। बहुत सारी इमेजेस हैं, आप देख सकते हो इसकी काफ़ी सारी इमेज। ठीक है, अलग अलग रंगों में, बाकी आप खुद ही सर्च कर सकते हो। फिफ्थ वर्ड था आपका असॉल्ट। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है, सॉरी था नहीं, फिफ्थ वर्ड है आपका असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है अचानक से हमला करना। ठीक है, यह एक वर्ब वर्ड हो गया। अब इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। अब करना आ गया था ना, क्योंकि इसमें करना आ गया तो क्रिया, क्रिया है तो वर्ब। ठीक है, ही प्लीडेड गिल्टी टू असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति था उसे तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्या किया गया,
उसे गिल्टी प्रस्तुत किया गया, क्यों? क्योंकि उसने अचानक से हमला किया था, असॉल्टिंग की थी पुलिस ऑफिसर पर, ठीक है। प्लीडेड का मतलब होता है जो अपील करना, प्लीडेड का मतलब होता है अपील करना, मतलब तर्क के रूप में प्रस्तुत करना, पक्ष समर्थन करना, निवेदन करना, वकालत करना, ठीक है, इत्यादि। आप समझ गए होंगे, इसका सिनोनिम देखते हैं। पहला है आपका हिट, दूसरा है स्ट्राइक, ठीक है, दोनों के सेम और मिलते जुलते मीनिंग होते हैं। तो फटाफट से देखते हैं आज के कौन कौन से वर्ड थे। पहला वर्ड था आपका एसफेल्ट, एसफेल्ट का मतलब डामर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, एक नाउन वर्ड है, एसफेल्ट नाउन वर्ड हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड वर्ड था आपका एस्पेक्ट, एस्पेक्ट भी नाउन वर्ड है, इसका मतलब था किसी स्थिति, विचार, समस्या आदि का पहलू, पक्ष और दृष्टिकोण, मतलब किसी स्थिति का दृष्टिकोण, जैसे द वेरियस एस्पेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ के जो दृष्टिकोण है काफ़ी वेरियस है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। थर्ड वर्ड देखते हैं, थर्ड था आपका असैसिन, असैसिन का मतलब हथियारा, यह एक नाउन वर्ड है, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार का हथियार, यह है किसी महत्वपूर्ण या लोकप्रिय व्यक्ति का हथियारा, जो कि धन या राजनीतिक कारणों के लिए हत्या करता हो, ठीक है, पैसों के लिए किसी लोकप्रिय या राजनीतिक व्यक्ति को उड़ा दिया, तो उसे बोलते हैं असैसिन, खेल खत्म, ठीक है। फोर्थ एस्प, एस्प एक विषैला सांप था, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अब आप सोचोगे ये तो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, हमारा क्या मतलब इससे? भाई जो कभी कभी हमें पता होना चाहिए नाम ना, कभी कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, कहीं आपको एस्प लिखा मिलेगा तो आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो सीधी बात है ये है एक सांप है, ठीक है, कहीं कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे वर्ड्स की, होता है, मैंने रीजनिंग में तो पड़ सकती कहीं ना कहीं, याद रखना, ठीक है। फिफ्थ वर्ड था आपका असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब अचानक से हमला करना, ठीक है, यह एक वर्ब पड़ता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।